अभी ये छोटा सा प्रूव दैट है, ठीक है, ये सही में बहुत इजी है, लेकिन आप अगर इसे समझोगे नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा, और इट इज वेरी स्मॉल, एक्सप्लेनेशन इज वेरी स्मॉल. लेट्स डू इट ओवर हियर. ए बी सी बिलोंग्स टू आर रियल नंबर्स, ए ग्रेटर देन जीरो. देखो ये हमारे पास ए बी सी तीन वैल्यू होती है, ठीक है, क्वांटिटी इक्वेशन की बात चल रही है. ए ग्रेटर देन जीरो है, लेकिन इसका मतलब कि ए की वैल्यू पॉजिटिव है. सी लेस देन जीरो है, यानी सी की वैल्यू नेगेटिव है. बी की वैल्यू के बारे में हमें नहीं बताया, ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन तो ये मैंने कॉपी कर दी. ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए ग्रेटर देन जीरो, सी लेस देन जीरो. मैं लिख सकता हूँ ए सी लेस देन जीरो. ये कैसे हैं फ्रेंड्स? तो ए पॉजिटिव है, सी नेगेटिव है. अभी कोई भी एक ऐसा नंबर ले लो जैसे 5 and -2, ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा, आंसर नेगेटिव. और नेगेटिव आंसर हमेशा जीरो से कम होता है, ठीक है, -10, सो दैट इज लेस देन जीरो. इसीलिए मैंने लिख दिया कि ए और सी का मल्टीप्लाई जीरो से कम, इजंट इट? ओके, अभी ये -10 को मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करूँ, सपोज मैं इसे 4 से करता हूँ तो क्या हो जाएगा, -40, तो वो भी जीरो से तो लेस ही होगा, ठीक है. 4 ऐसे, अभी मैंने 4 से क्यों किया, दैट आर सो मेनी नेचुरल नंबर्स टू डू दिस. मैंने इसीलिए किया कि मेरा जो डी का फॉर्मूला है दैट्स b² - 4ac, उसमें 4ac आता है और मुझे इसकी ओर जाना है. मुझे क्यों इसकी ओर जाना है, क्योंकि मुझे डिस्क्रिमिनेंट के बारे में कुछ प्रूव करना है कि उसके जीरो रियल एंड डिस्टिंक्ट है, ठीक है. यानी कि मुझे ऐसा प्रूव करना है डी ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है. रियल एंड डिस्टिंक्ट आंसर कब आता है, तो इफ़ यू लुक एट द टेबल, डिस्क्रिमिनेंट का जो टेबल हमने बनाया था, तो डी ग्रेटर देन जीरो चाहिए मुझे, ठीक है. अभी 4ac लेस देन जीरो, अभी इधर मैंने क्या कर दिया, -4ac. अभी सुनो, ये -40 हो गया, ये समझने के लिए है, ठीक है. और मैं माइनस साइन यहाँ पे लिख दूँ तो ये हो जाएगा +40 एंड ये ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, ठीक है. तो इसलिए मैंने माइनस लिख दिया. अभी उसके पहले मैंने b² लिख दिया. भी कोई भी नंबर का स्क्वायर करो तो पॉजिटिव ही होगा. जैसे -5 भले हो, उसका स्क्वायर करोगे तो +25 ही आएगा. किसी की भी डिग्री करेंगे तो प्लस ही आएगा, ठीक है. तो ये ग्रेटर देन जीरो ही रहेगा, ठीक है. अभी ग्रेटर देन जीरो हो तो उसके रूट्स जो होते हैं, ये डी का फॉर्मूला है तो डी लिख दिया, ठीक है, b² - 4ac. तो डी ग्रेटर देन जीरो हो तो उसके जो रूट्स होते हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट ही होते हैं. मुझे ये प्रूव करना था कि मेरा डी जो है वो जीरो से बड़ा हो. सो एक्सप्लेनेशन इज वेरी स्मॉल, आई ट्राई टू एक्सप्लेन एज गुड एज आई कैन. आप वीडियोज एक या दो बार देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड इट करेक्टली. लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज, राइट. सो आई विल एक्सप्लेन दिस इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.